खबर जिला बरेली के नवाबगंज से, जहां नवाबगंज थाने से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शुभराती हत्याकांड का मुख्य आरोपी बन्ने तीसरे दिन भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे इसरार व आबिद को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बन्ने और शुभराती के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते बन्ने ने अपने साथियों की मदद से गमछे से शुभराती का गला दबाकर हत्या कर दी और सबको गन्ने के खेत में फेंक दिया। क्षेत्राधिकारी ने यह भी बताया कि पूछताछ के लिए थाने लाए गए बन्ने, जो कि पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। हत्याकांड के जो आरोपी जेल गए हैं, किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और क्या आपराधिक रिकॉर्ड है उनका? ये सोराती जागीर खान, इसकी हत्या हुई थी। इसके संबंध में जो पुलिस वालों ने जान पड़ताल की, उसमें नाम प्रकाश में आया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, जिसमें इसरार उर्फ नन्हू और बन्ने और एक आबिद, तीन लोगों ने मिल करके उसकी हत्या की थी। जब पूछताछ में जानकारी में आया कि बन्ने और शुभराती का कुछ विवाद चल रहा था पैसे को लेन देन के लेकर, इसमें यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि बन्ने और शुभराती पूर्व में दिल्ली से जेल गए थे, उनके चोरी के कई मुकदमे थे, वहीं पर जब जेल से छूट के आए तो पैसे को बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ और ये विवाद जाराता चला गया। उसके बाद इन लोगों ने प्लान किया और उसको मारा। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी, गला घोंट के या कोई हत्या? पोस्टमार्टम में तो विसरा प्रिजर्व आया है, क्योंकि शव काफ़ी दिनों बाद मिला था तो उसमें ये मृत्यु का कारण तो पता नहीं चल सका, लेकिन अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उसको ले गए थे गन्ने के खेत में और इन्होंने रुमाल से उसका गला दबा दिया था, तीनों ने पकड़ करके उसके काम किया। सर, एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि जो बन्ने जो कस्टडी से फरार हुआ है, कस्टडी ये क्या कहना? ये इसमें शुभराती मर्डर केस का अन्य जो अभियुक्त बन्ने है, ये थाने पूछताछ के लिए आया था, ले आया गया था और पूछताछ के बाद ये शाम को यहाँ बैठाया गया था कार्यालय में। अभी ये लापरवाही से मुंशी और हमारे संतरी पैरा होमगार्ड के लापरवाही से भाग गया। उसके पीछे लगातार दबिश चल रही है, टीमें बना दी गई हैं अलग अलग, हमें जल्दी से पकड़ लिया।